हेलो गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपने वैलेंटाइन के साथ हमेशा खुश रहें, एंजॉय करें और पार्टी करें। जरूरी नहीं है कि आप डेटिंग पर ही जाएं, आप वैलेंटाइंस डे अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ भी मना सकते हैं। मैंने इस लुक को वैलेंटाइंस के डे मेकअप के लिए ही क्रिएट किया है। अगर आप दिन में कहीं पार्टी करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस लुक को कैरी कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और पिंक्स यूज़ किए हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोग वैलेंटाइंस डे पर पिंक्स या रेड्स ही पहनते हैं और वही पसंद करते हैं। बट अगर आप रात में पार्टी के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आईज को ग्लिटरी रखा है और लिप्स बोल्ड रखे हैं। इस लुक को आप रात की पार्टी के लिए कैरी कर सकते हैं, बट अगर आप दिन में कहीं आउटिंग पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस लुक को कैरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है, सॉफ्ट है और डे टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। पर उससे पहले प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज आप मिस नहीं कर पाए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लेंस और मॉइस्चराइज कर लिया है, क्योंकि आज मैं डे टाइम लुक करने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी। सिर्फ कंसीलर यूज़ करूँगी मेरे डार्क सर्कल को कवर करने के लिए और एक्ने मैक्स को कवर करने के लिए। बहुत थोड़ी सी फाउंडेशन मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। आज का लुक मैं बहुत ही ड्यूई और नेचुरल रखने वाली हूँ, क्योंकि ये डे टाइम लुक है। आई मेकअप भी बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट होगा और मैं न्यूड लिप्स ही कैरी करना चाहूंगी। सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज करूंगी स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर इन वन। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। ये ट्रायल साइज पैकेजिंग है, मैंने इसे इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज किया था। मैं नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अपने फेस पर इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट के लिए मैं यूज करने वाली हूँ बेका फर्स्ट लाइट प्राइमिंग फिल्टर। यू कैन सी द ग्लो दैट प्राइमर गिव्स मी। नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज करूंगी एले गर्ल का कंसीलर इन द शेड क्रीमी बेज। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल काफी टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मुझे ये कंसीलर कितना पसंद है। सेम कंसीलर को मैं अपने लिड एरिया पर भी लगाऊंगी और थोड़ा सा मैं अपने एक्ने स्पॉट्स पर भी लगाऊंगी, जहां जहां मुझे कवरेज की जरूरत है। इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगी डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज। ये स्विस ब्यूटी का ब्यूटी स्पॉन्ज है। कंसीलर ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी स्पॉन्ज काफी अच्छा रहता है, एकदम फ्लॉलेस फिनिश देता है। बट मेक श्योर कि आपका स्पॉन्ज बिल्कुल डैम्प होना चाहिए। अगर आप ड्राई ब्यूटी स्पॉन्ज से अपने क्रीम प्रोडक्ट को ब्लेंड करेंगे तो वो पैची हो जाएगा और काफी टाइम लेगा ब्लेंड होने में। थोड़ा सा हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज करूंगी पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर इन द शेड आई थिंक इट इज 02। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज चेक कर लेना। मैं बिल्कुल इसे अपने आईज के इनर कॉर्नर्स के पास लगाऊंगी, जहां मुझे ज्यादा डार्कनेस है, और आउटर कॉर्नर्स में भी। और क्योंकि ये कंसीलर बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, इसलिए मैं क्विकली इसे ब्लेंड कर लूंगी। फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग लॉरियल इनफॉलिएबल फाउंडेशन इन द शेड आई थिंक इट इज 125 नेचुरल रोज। और मैं बिल्कुल इसका सिर्फ मैं एक ही पंप यूज करने वाली हूँ। लिटरली एक पंप फाउंडेशन मैंने लिया है और इसे मैं अपने बाकी के फेस पर लगाऊंगी, जहां मैंने कंसीलर नहीं लगाया है। लिटरली वन पंप फाउंडेशन है और इसे भी मैं पूरा नहीं लगाऊंगी,
बिल्कुल टैड बिट लगाऊंगी ताकि नेचुरल फिनिश रहे मेरे स्किन में, और मुझे केकी मेकअप नहीं चाहिए डे टाइम पर। ऐसा भी नहीं लगे कि कुछ नहीं किया है, और ऐसा भी लगे कि कुछ किया है। दैट्स इट। अभी भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फाउंडेशन बच गया है, और अब मैं इसे ब्रश से ही ब्लेंड करूंगी। अब मैं अपने फेस को सेट करूंगी मेबलिन के फिट मी पाउडर इन द शेड लाइट, बट मैं अपने पूरे फेस को सेट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इस ड्यूइनेस को मेंटेन रखना है। मैं सिर्फ अंडर आई एरिया और टी जोन को ही सेट करूंगी। सबसे पहले मैं अपने अंडर आई एरिया पर जो क्रीज आ गई हैं उससे ब्लेंड करूंगी। अपने फेस को वार्म अप करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ हूला ब्रॉन्जर। अब क्विकली इस सारे मेकअप को आपस में मर्ज करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, और बिल्कुल गो टू प्रोडक्ट है ये मेरा स्मैश बॉक्स प्राइमर वाटर स्प्रे। इतना अच्छा प्राइमर वाटर स्प्रे है गाइस, मैंने अभी तक इतना अच्छा सेटिंग स्प्रे यूज नहीं किया है। यू कैन यूज एज अ प्राइमर ऑल्सो, बहुत ही अच्छा है। एकदम ऐसा लगता है कि स्किन ने पता नहीं कितना ग्लास पानी पी लिया है, इतना अच्छा प्राइमर वाटर स्प्रे है। यू कैन सी कि जितनी भी पाउडरीनेस थी वो बिल्कुल गायब हो गई है, और मेरी स्किन फिर से बिल्कुल ड्यूई और ग्लोई दिख रही है, जो कि पाउडर के बाद अभी थोड़ी सी फिर से मैट हो गई थी, लेकिन इस प्राइमर वाटर ने इंस्टेंट हाइड्रेशन दे दिया है स्किन को, और बहुत ही अच्छा विद इन ग्लो आ रहा है। आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का शेप माई ब्राउज पैलेट। इसमें से मैं ये ब्राउन और ग्रे कलर ले रही हूं। मेरे आई मेकअप के लिए मैं यूज करूंगी बीएच कॉस्मेटिक का कार्ली बाइबल पैलेट। मुझे ये पैलेट बहुत ही पसंद है, इसमें बहुत ही कूल और न्यूट्रल अंडरटोन्स के आई शेडोज हैं जो कि डे टाइम लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। सबसे पहले मैं पैलेट में से ये सेंट्रल शेड लूंगी, ये है लाइट मॉविश शेड है, और ब्रश आई एम यूजिंग मॉर्फी M441। इस कलर को मैं अपने ट्रांजिशन एरिया पर लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं सेम ब्रश पर ही ये एक और लाइट कलर ले रही हूं, और इसे भी अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड करूंगी। फर्स्ट कलर से थोड़ा सा नीचे मैं इसे ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट अपने लिड एरिया के लिए मैं इस पैलेट का सबसे गॉर्जियस कलर लेने वाली हूं, ये है पिंक शिमरी कलर। इस लुक की सॉफ्टनेस को मेंटेन करने के लिए आज मैं लाइनर या लिक्विड लाइनर यूज नहीं करने वाली हूं। मैं इसी पैलेट में से ये डार्क बर्गेंडी कलर लूंगी, और इसे अपनी अपर लैश लाइन पर लाइनर की तरह लगाऊंगी और फिर उसे स्मज करूंगी। इसके लिए मैं यूज कर रही हूं इस तरह का एक फ्लैट ब्रश।
अब मैं फर्स्ट ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और उससे अपने पूरे आई लुक को ब्लेंड कर लूंगी। सेम बर्गंडी कलर को मैं लोअर लैश लाइन पर भी लगाऊंगी और अपनी लोअर लैश लाइन के बिल्कुल पास में मैं इसे ब्लेंड करूंगी। और आई एम यूजिंग प्लम कोल पेंसिल और इसे मैं अपनी अपर वाटर लाइन पर लगाऊंगी। अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं ये शैम्पेन कलर ले रही हूं। सो गाइज आई एम डन विद माई आईज। अब मैं फॉल्सेस अप टू यू कि आप लगाना चाहते हैं या नहीं, नहीं तो आप इसे डबल कोट मस्कारा के साथ भी कैरी कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली लैशेज आर ऑन और मैंने यूज किया है पैक लैशेज इन द वेरिएंट 54। एंड फॉर ब्लश आई एम यूजिंग माई मेबलिन ब्लश पैलेट और इसमें से मैं ये पिंक और लाइट पीच दोनों कलर्स को लूंगी। यूजिंग नाइका लिपस्टोन लाई लिप लाइनर इन द शेड डर्टी सीक्रेट्स। For lipstick, I'm using ColourPop Lip Satin in the shade November, and I'm gonna put it on the center of my lips. लिपस्टिक को थोड़ा टोन डाउन करने के लिए मैं यूज करूंगी कलर पॉप का लिप सेटन इन द शेड अलाइसा। एंड फॉर माय हाईलाइट आई एम यूजिंग ब्लश पैलेट अगेन। सो गाइज दिस इज प्रेटी मच डन। आई हैव वोर माई क्यूट लिटल इयर रिंग्स। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपने लव्ड वंस के साथ मजे से रहिए, इंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज मिस नहीं कर पाए। और हाँ गाइज प्लीज 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 कॉमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।